गुड आफ्टरनून सुजीत। चलो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। बताइए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे। हाँ अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, उसमें कहाँ तक नोट किए थे हम लोग, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में बना लिए थे या नोट किए थे कहाँ तक। बताओ कहाँ तक हम लोग नोट किए थे। फंक्शन मेगा स्पोर तक। ओके, हम लोग नोट किए थे फंक्शनल मेगा स्पोर तक। चलिए लास्ट में लिखे थे ना, वन मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल। बोलो यही पॉइंट लिखे थे लास्ट में ना, वन रिमेन फंक्शनल। बोलो यार, वन मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल लास्ट में लिखे थे ना। आद्या, आवाज जारी सभी को। फंक्शनल मेगा स्पोर सो इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ठीक चलो, अच्छा ये हो गया था। चलो उसके बाद लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, फीमेल गैमेटोफाइट। अगला पॉइंट नोट करिए, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, इंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट, इंडोस्पर्म प्रोड्यूस टू और मोर, प्रोड्यूस TW2 ओ आर मोर आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम ओ आर आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इन वन ओव्यूल, इन वन ओव्यूल, द मल्टी सेलुलर, द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम, विद इन मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल
the pollen grain are released from the microsporangium, released from the microsporangium and are carried in air current wind pollination and come in contact with the opening micropyle of ovule on megasporophyll Next, each pollen grain produces pollen tube carrying TWO2 male gamete, which grow toward Archegonia in the ovule and release या हम कह सकते हैं discharge it content और content मतलब क्या होगा two male gamete near the mouth of Archegonium ये आप नोट कर लीजिए
ओके सुजीत नोट कर लीजिए, सेकंड एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है आपका, द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, पॉलन ग्रेन रिलीज होता कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम लोग बात किए थे कि ये आपका जो होता है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और आप जानते हैं हम लोग बात किए थे कि ये हमारा क्या होता है स्पोरोफिल, यहाँ पे ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनता है माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर यहाँ से निकलता है, वही है रिलीज मतलब निकलता है, आर कैरीड आउट इन एयर करंट, उसे क्या कहते हैं विंड पॉलिनेशन, और वह एयर करंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी होता है, और इसी प्रोसेस क्या कहते हैं विंड पॉलिनेशन। और जब ये क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान कैरी होता है, कहाँ से जाता है इस माइक्रोस्पोरेंजियम से चलता है, और कहाँ तक चला जाता है माइक्रोपाइल तक। हमने कहा था कि ये आपका ओव्यूल है, और ये ओव्यूल का जो माउथ होता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल तक ये पहुंचता है, पहुंचने के बाद क्या होता है ऑफ ओव्यूल ऑन मेगा स्पोरोफिल, समझ में आया। फिर देखिए ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा पॉलन ट्यूब बनाएगा, और उसमें क्या पाया जाएगा टू मेल गैमिट, ये हो गया पॉलन ट्यूब, और इसमें आपका होगा दो मेल गैमिट विच ग्रो टूवर्ड आर्चीगोनियम, और कहाँ आपको बताया था मैंने ये पाया जाता है आपका आर्चीगोनियम, और ये हो गया ओव्यूल। अब यहाँ से ग्रो करता है यहाँ तक आर्चीगोनियम रिलीज या डिस्चार्ज इट कॉन्टेंट मतलब दो मेल गैमिट नियर द माउथ ऑफ आर्चीगोनियम, अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे दोनों मेल गैमिट अपना निकाल देता है आर्चीगोनिया के माउथ। क्लियर हुआ सुजीत? अभी हम इसको पूरा फिगर बनाएंगे लास्ट में। चलो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वन मेल गैमिट फ्यूज विद फीमेल गैमिट, वन मेल गैमिट फ्यूज विथ फीमेल गैमिट, फ्यूज विथ फीमेल गैमिट एंड अदर मेल गैमिट एंड अदर मेल गैमिट, क्योंकि दो मेल गैमिट था अभी आपने देखा, एक तो फ्यूज करता है फीमेल गैमिट से, दूसरा क्या होता है अदर मेल गैमिट डीजेनरेट नष्ट हो जाता है, डीजेनरेट फुल स्टॉप है, द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट रिजल्ट zygote and then embryo formation embryo formation कहाँ बनेगा inside ovule या within ovule स्टॉप है। नाउ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज ओव्यूल, नाउ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैविंग एम्ब्रियो कॉल्ड सीड, कॉल्ड सीड, नेक्स्ट सीड सीड नॉट कवर्ड विथ
कवर्ड विथ ओवरी वॉल, ओवरी वॉल ओ आर आर फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड, सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड. नेक्स्ट पॉइंट है, इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म सीड आर फॉर्म्ड, सीड आर फॉर्म्ड बट ओवरी आर फ्रूट, ओवरी आर फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड, are not formed, so they are called as, called as naked seeded plant, naked seeded plant. Seed next point, seed containing embryo, seed containing embryo two x form new diploid sporophyte plant, form new diploid sporophyte plant, sporophyte plant on germination. अब ये नोट कर लिए, फिर हम फिगर ड्रॉ करते हैं. जी फिगर हो गया, और किसी का? ओके दीपक का भी हो गया. चलो ये सबको समझ में आ गया. अरे यार, टू एक्स मतलब डिप्लॉयड, ठीक है. क्लियर हो गया टू एक्स मतलब क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं दो चीज होता है ना, एक होता है हैप्लॉयड. बोलो यार स्मिथ, क्लियर हुआ? यस ओके. इसमें किसी कुछ डाउट है कि आगे चला जाए? बोलिए.
बोलो यार, आद्या, सौरभ, सुजीत, स्मित, दीपक, नो। चलो अब देखो, हम एक एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप साथ बनाएंगे और पॉइंट जो हम नोट कराएं सारे पॉइंट अभी मिलेंगे आपके। चलिए सबसे पहले हमने कहा था कि एक आपका ओव्यूल बनता है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ओव्यूल। ये देखिए आउटग्रोथ बना और अंदर क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये देखिए तो इसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूल इनिशियल। ओव्यूल इनिशियल, ये देखिए। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये सेम यही चीज है, ये। अब ये क्या होता है, आपको पता ही है बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसे कहते हैं न्यूसिलस। अब देखो क्या होता है, इस न्यूसिलस के बाद यहां से दो आउटग्रोथ निकलता है, एक ऐसे एक ऐसे। अब ये क्या होगा, ये दोनों जो कंडीशन होती है, ये आपका हो गया ये, और ये जो आउटग्रोथ निकला ये पूरा इसको ये इस तरह से कवर कर दिया, ये और ये इधर से आकर के ये पूरा कवर कर दिया। अब जब कवर कर लिया तो यही वाला बढ़ के पूरा कवर किया है, इसे कहते हैं इंटीगुमेंट। इंट्यूमेंट, और इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये हो गया, और ये आप जान ही रहे ये क्या होता है, न्यूसिलस। अब इसी न्यूसिलस में एक सेल अपनी साइज से बढ़ जाती है, देखो ये एक सेल बड़ी हो गई, बाकी सब छोटी छोटी सेल जो थी वो एज ए सच प्रेजेंट। ध्यान देना, जहां जिसको डाउट लगे बता देना, ये हो गया। अब ये जो बड़ी वाली सेल है, इसी बड़ी वाली सेल को क्या कहते हैं, अगर देखा जाए इसी को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये जो बड़ी वाली है इसे क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ये हो गया। अब ये जो होती है मेगा स्पोर मदर सेल, अब देखो फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होती है किसके द्वारा, मियासिस के द्वारा। तो चार बनते हैं मेगा स्पोर, एक दो तीन चार, ये चार क्या बन गए, मेगा स्पोर। अब क्या होता है, इस चार में से तीन आपके नष्ट होते हैं। अगला देखो स्टेप, ये एक यहां पे फंक्शनल होगा, तो कब तीन नष्ट हो रहे हैं, एक दो तीन नष्ट हो गया, ये हो गया फंक्शनल मेगा स्पोर। अब यह जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, यही आपका इंक्रीज करके बना देगा क्या चीज, पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया आपका न्यूसिलस, थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखो। अब क्या होता है, ये आपका बाहर हो गया इंट्यूमेंट, समझिएगा, ये हो गया आपका बाहर इंट्यूमेंट, ये हो गया। अब देखिए ये है, ये दोनों के बीच में एक चैम्बर बनेगा, अब देख रहे ना इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक चैम्बर बनेगा। अब देखिए ये एक चैम्बर बना रहा है, एक चैम्बर देखिए ये है, अब एक यहाँ चैम्बर बन जाएगा ये इस तरह से,
ये देखिए, ठीक है। अब ये जो चैम्बर बना है यहीं पे आपका ये तो क्या हो गया, फंक्शनल मेगा स्पोर, यही है ना फंक्शनल मेगा स्पोर जो बढ़ गया। अब ये क्या बना देगा, फीमेल गैमिटोफाइट बन गया, ये बन गया। और यहां पे आपकी पाई गई आर्चिगोनी, ये हो गई आर्चिगोनिया, बाकी ये आप जानते हैं ये क्या हो गया माइक्रोपाइल। ये क्या है आप जानते हैं इंटिगमेंट, ये भी आर्चिगोनिया है आपका। और ये जो होता है इसे कहते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर, आर्चिगोनियल चैम्बर। और ये जो होता है यहां पे माइक्रोपाइल है, और यहां पे एक और चैम्बर छोटा सा बनता है अगर हम कह दें इस तरह से, ये इसे कहते हैं पॉलन चैम्बर। ये आप बना लीजिए, अरे दीपक कभी नहीं हुआ क्या, चलिए ओके, ये सबको समझ में आ गया। देखिए ये बन गया आर्चिगोनियम। अब समझिए पॉलन ग्रेन आता है, जैसे हमने बताया था पॉलन ग्रेन निकलेगा, ये पॉलन ग्रेन निकला, ये हवा के द्वारा यहाँ से आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये जर्मिनेट करेगा, ये पॉलन चैम्बर यहाँ पे रुक जाएगा पॉलन ग्रेन। अब यहाँ से ये जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब आएगा और पॉलन ट्यूब का टिप फटेगा, इसमें जो दो मेल गैमेट होते हैं, ये देखिए एक मेल गैमिट ये है दूसरा ये, दोनों निकल आते हैं मेल गैमिट, एक मेल गैमिट आर्चिगोनिया से फ्यूज करेगा, दूसरा आपको क्या हो जाएगा डेड कर जाएगा, क्या कर जाएगा डेड कर जाएगा, यही आपने लास्ट में लिखा है। समझ में आया सबको,
चलो अब हम चलते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं लाइफ साइकिल को ड्रॉ करते हैं। चलो देखो कैसे क्या होगा, कौन सी लाइफ साइकिल, तो आप लिखेंगे ऊपर लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस मोनोसियस। पाइनस मोनोसियस लाइफ साइकिल ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए तो अब यहां पर लिखेंगे पाइनस प्लांट, पाइनस प्लांट कैसा होता है? पाइनस प्लांट हमने बताया था जिम्नोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक होती है। और ये कैसा होता है? 2x, ये हो गया। अब इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि यह हो गई मेन प्लांट बॉडी, इसी के ऊपर आपका मोनोसियस है। अब जानते हैं दोनों चीज एक ही पे बनेगा, क्या बनेगा? मेल कोन, इस पे क्या बनेगा? फीमेल कोन। अब देखिए इसके बाद हमने कहा था कोन पे क्या होते हैं? स्पोरोफिल, यहां पे जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, यहां क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरोफिल। ये हो गया। अब कंडीशन क्या होता है कि मेगा स्पोरोफिल पे क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो पे क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजियम। ये हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजियम। फिर हो जाएगा मेगा स्पोरेंजियम। ये हो गया। अब मेगा स्पोरेंजियम में क्या हो जाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल। अब यह मेगा स्पोर मदर सेल जो जाएगा इसमें क्या होगा? दोनों में मियासिस होगा, यहां भी मियासिस होगा, यहां भी, तो हम साथ लिख देते हैं दोनों में मियासिस। अब क्या बनेगा मियासिस के बाद? मेगा स्पोर। यहां क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर्स क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। फाइट या उसी मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। देखो दोनों तरफ आए रो, इसका मतलब दोनों एक चीज है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन। ये देखो ये भी दोनों तरफ एरो है। अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि मेगा स्पोर से क्या बनेगा? आपको पता है क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमिटो गैमिटो फाइट। ये हो गया।
और इस मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज हो गए कहां सा है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बन जाएगा, आप जानते ही हैं, फीमेल गैमेट या एग, या आप यहां लिख लो फीमेल गैमेट, या हम कह सकते हैं एग। और इस पॉलन ट्यूब में क्या बनेगा, स्पर्म या मेल गैमेट। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा, जाइगोट। कैसा होगा, 2x। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, ये स्पोरोफाइट। ये ओव्यूल कहो या मेगा स्पोरेंजियम कहो, दोनों सेम चीज। हमने जितना नोट कराया था उस वो पूरा लाइफ साइकिल हमने बना दिया। या एक चीज थोड़ा सा वो लिख लो, सीड बनता है ना, हम उसको भी दिखा दें। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड, और सीड्स बनेगा स्पोरोफाइट। बन गया सबका, चलो चलो सबको क्लियर है, आगे चला जाए। आइए अब दो पॉइंट लिखेंगे नोट करके। पहला लिख लो जूडियोसाइक्नोगैमी, जूडियोसाइक्नोगैमी। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट क्या है, साइक्नोगैमी। दोनों मंत्र बताओ,
ये दो नोट कर लो। बताइए दोनों में क्या अंतर है? इसमें ध्यान देना, मेल गैमेट आर मोटाइल, बस यहां पे ध्यान देना, मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, बस यही दो पॉइंट ध्यान देना, ये नोट कर लो यार। एक पॉइंट और नोट करोगे, इंडोस्पर्म, ये बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉयड होता है इंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड होता है। इंडोस्पर्म फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, थस इट इज हैप्लॉयड, इट इज हैप्लॉयड। अब इस चीज को ध्यान देना कि जिम्नोस्पर्म में ये हैप्लॉयड मतलब यक्स होता है, एंजियोस्पर्म में यही इंडोस्पर्म टू यक्स होता है, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अब नेक्स्ट में डाल लो क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन वही चीज पढ़ेंगे जो हम लोग से पूछा जा सकता है। हाँ है, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जो हमसे पूछा गया है। चलो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, टू ग्रुप डिवाइडेड इन टू, टू ग्रुप, दो ग्रुप केवल पढ़ने हैं इसके। पहला ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं साइकेडोफाइटा, साइकेडो फाइटा, एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक सही रहेगी? यार एनसीईआरटी के अलावा तो हमें नहीं लगता कोई बुक सही रहेगी, ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, बाकी इसके बाद चाहे जो बुक पढ़ो सब बुक एक जैसी है, ठीक है स्मिथ। बाकी एनसीईआरटी के अलावा जितना पढ़ना वो हम आपको खुद बताते चलेंगे सब कुछ, बस केवल आप एनसीईआरटी को 10 बार 20 बार जितनी बार उसकी उतनी बार उसकी एक एक लाइन याद करिए, बाकी उससे ज्यादा जो है हम आपको बताते चलेंगे। जैसे देखो ये अब हम बता रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बता रहे हैं,
बाकी आप सवाल पेपर ले लीजिए, 10 ईयर का, 20 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए वो सॉल्व करिए, या उस तरह से ले लीजिए क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी निचोड़ है सुजीत, उससे काम चलाओ। ठीक है, देखिए हम आपको दो चीज कहेंगे, एक तो ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, दूसरा जितना हम आपको नोट करा रहे हैं ये पढ़ लें, और अगर आपकी इच्छा हो तो बुक लें या न लें, लेकिन जो क्या कहते हैं ये वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक, नीट का क्वेश्चन बैंक। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट है, बाकी कुछ लें या न लें ये जरूर लें। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा आपको ये लेना है एनसीईआरटी का, जो भी क्वेश्चन बैंक मिलता है जितना हो सके, अलग अलग कंपनी का लेंगे तो उसमें अलग अलग कंडीशन होती है, नहीं ज्यादा तो कम से कम दो तो ले ही लीजिए, एक आप ले लीजिए 10 ईयर का सवाल पेपर, उसको आप देखिए जो आपको समझ में आता है ठीक, क्वेश्चन नहीं आता हमसे पूछे आप बताएंगे, दूसरा आप एक तो कोई और ले लीजिए। ठीक है, एक तो कोई और ले लीजिए आप क्वेश्चन बैंक, बाकी बुक की कोई जरूरत नहीं, बाकी आपकी इच्छा होती तो आप ले सकते हैं। आइए, चलिए साइकिलो फाइटर की बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, नंबर दो कोनी फेरो फाइटा। कोनी फेरो फाइटा, अब हम बात करते हैं साइकेडोफाइट ऑफ क्या कहते हैं लोअर जिम, अब हम हेरिंग डालेंगे साइकेडो फाइटा, ये हेरिंग डालेंगे, इसे क्या कहते हैं लोअर जिम्नोस्पर्म। लोअर जिम्नो इस पर, चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्लांट के नाम से वही हम लोग ध्यान देंगे। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, प्लांट क्या होते हैं, मेगा स्पोरोफिलस प्लांट आर मेगाफिलस, मेगा मतलब हमने पहले बताया था पत्ती बड़ी होती है, मेगाफिलस या माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस दोनों एक ही चीज आप जानते हैं, विथ सरसिनेट वेनेशन, विथ सरसिनेट वेनेशन, ये ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था प्रेजेंस ऑफ रेमिंटा, रेमिंटा कहाँ पाया था बताओ, एंड मोटाइल मेल गैमिट, रेमिंटा क्या है कहाँ पाया जाता है, हमने नोट कराया था, कौन बताएगा, बताओ जी, ये जो पत्ती थी इस पत्ती के ऊपर ये जो राइजोम था इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया था, रेमिंटा, भूल गए, चलो अब ये क्या होता है डिवाइडेड इन थ्री ऑर्डर, इन टू थ्री ऑर्डर, तीन ऑर्डर में इनको डिवाइड किया गया, पहला ऑर्डर
साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडो फिलिकेल्स, या इसी को क्या कहते हैं टेरिडोस्पर्मी। या इसी क्या कहते हैं सील फर्म। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि द क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म विच आर कंप्लीटली इंस्टिंक्ट, जो अब भारत में नहीं पाए जाते, पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं, उसे क्या कहते हैं साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्म। पहला पॉइंट लिखेंगे दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, बस इतना लिखना है आपको। यह ग्रुप जो है पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना, दिखाई नहीं। अब इसका ग्रुप का एक एग्जाम्पल लिख लो, जो कि आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता। लिग्नो पेरिस ये एक एग्जाम्पल है। लिग्नो पेरिस, इसे क्या कहते हैं फॉसिल प्लांट। इसका जीवित फॉर्म नहीं पाया था, क्या पाया था इसका फॉसिल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है फॉसिल प्लांट लिग्नोप्टेरिस। यही याद करना है आपको। आद्या का हो गया, और कोई बताइए। चलिए हमीशा का भी हो गया, सुजीत का भी हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट, दूसरा कौन सा है ऑर्डर, बेनिटेल्स, ये दूसरा ऑर्डर है बेनिटेल्स। ये भी आपके कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, हम शॉर्ट लिख रहे हैं कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप। ये भी अब जीवित नहीं है। इसका एग्जांपल जो होता है वो आप नोट करेंगे विलियम सोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये नाम आ जाता है विलियम सोनिया। ये भी क्या है फॉसिल प्लांट। ये ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा लंबा आपको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, साइकेडेल्स,
इसे क्या कहेंगे? दे आर लिविंग, दे आर लिविंग, ये जिंदा है, इसीलिए इसे एक नाम देते हैं लिविंग फॉसिल, क्योंकि जिंदा भी है ये, इनके फॉसिल भी पाए जाते। कभी क्वेश्चन आ जाए विच प्लांट नोन एज लिविंग फॉसिल इन जिम्नोस्पर्म, कौन सा है? साइकिडेल्स। चलिए अब इसमें एक प्लांट होता है, केवल नाम ही आपको याद करना, प्लांट का बाकी कुछ नहीं, जामिया पिग्मिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जामिया पिग्मिया। इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ये हो गया। दूसरा साइकस, इसे कहते हैं सैगोपाम। सैगोपाम ओ आर आर फर्न पाम। विकास क्यों कहते हैं सैगो? अब यही पूछा जाता आपसे, हमने इसलिए कहा था ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तो और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैगो ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम, ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम, इसके स्टेम से क्या मिलता है? सैगो मिलता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ओव्यूल जो होता है वो साइकस का होता है, लिखेंगे साइकस ओव्यूल 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। साइकस ओव्यूल 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कभी क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट ओव्यूल, तो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट ओव्यूल, ट्राई करना, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अब इसका सबसे बड़ा क्या क्या होता है, लिखेंगे साइकस, साइकस मेल गैमेटोफाइट, हाँ साइकस मेल गैमेट, गैमेट कैसा होता है? टाइप शेप, ब्रैकेट बंद, एग एंड फीमेल कोन एंड मेल कोन आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। ओव्यूल तो बड़ा हाई है, आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। एक पॉइंट और लिखेंगे साइक, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे क्वेश्चन पूछा गया चुका है, साइकस एम्ब्रियो है टू कॉटिलीडन, नोट कर लीजिए, ये हमारा खत्म हो गया पहला साइकेडोफाइटा। अब हम लिखेंगे कोनिफेरोफाइटा, ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसके ऑर्डर बहुत,
चलो हो गया। ये देखो हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको एकदम मिस मत करना। सिर्फ प्लांट के नाम इतने पॉइंट पूछे गए वो सब नोट करा दिए। चलो नेक्स्ट नंबर दो, कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा ये नंबर दो, इसको लिखोगे डिवाइडेड इन फोर ऑर्डर। पहला कौन सा है? जिंक गो एल्स। जिंक गो एल्स ये पहला ऑर्डर है। इसमें एक पाया जाता है, प्लांट का नाम है जिंक गो बायलोबा। जिंक गो बायलोबा ये प्लांट का नाम है। इसे क्या कहते हैं? मेडियन हेयर ट्री। मेडियन हेयर ट्री, बस यही याद करना है कि मेडियन हेयर ट्री किसे कहते हैं। जिंक गो बायलोबा, बस। नेक्स्ट साइकिल, दूसरा हो जाएगा कॉर्डिटेल्स। कॉर्डिटेल्स इसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉर्डिटेल्स का। पहले लिखेंगे कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप, पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। और क्या एग्जांपल है? कॉर्डेटाइट्स। सी कोनीफरेल्स, इसके कुछ एग्जांपल नोट करेंगे जो हम आपको नोट कराते हैं। इसका एग्जांपल है पाइनस, अब इससे एक चीज निकाला जाता है जिसका नाम क्या है? टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ये याद कर लीजिएगा, टर्पेंटाइन ऑब्टेंड फ्रॉम इट, इससे क्या निकाला जाता है? टर्पेंटाइन फ्रॉम इट। अब कुछ पाइनस के सीज के नाम है वो आपको नोट करना है। एक पॉइंट और नोट करेंगे, पाइनस पॉलन ग्रेन। तो कहते हैं सुअर ऑफ सल्फर, क्यों? क्योंकि सल्फर पीले रंग का होता है, जब पाइनस का पॉलन ग्रेन निकलता है पूरा पूरा जंगल जो होता है पीला हो जाता है, इसीलिए कहते हैं सुअर ऑफ सल्फर। नेक्स्ट अब पाइनस की स्पीसीज की बात, पाइनस ये हो गया जीनस, स्पीसीज क्या हो जाएगा? जियार्डियाना। जियार्डियाना इसे कहते हैं चिलगोजा पाइन, यही पूछा जाता है, चिलगोजा पाइन किसे कहते हैं? पाइनस जियार्डियाना। दूसरा पाइनस रॉक्सबर्गी, जीनस पाइनस, स्पीसीज
रॉक्स पर भी। इसे कहते हैं चीरपाई। और एक क्या है, दो तो ये हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक सीड्रस को कहते हैं देवदार। अगला प्लांट है सीड्रस, तो क्या कहते हैं, नोन एज देवदार। ये हो गया एक है। टैक्सस को क्या कहते हैं, टैक्सस, ये सब प्लांट के नाम है। इसको कहते हैं यक ट्री। और इसी टैक्सस से क्या निकलता है, एंटी कैंसर मेडिसिन, एंटी कैंसर मेडिसिन इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड फ्रॉम इट बार्क। ये नोट कर लीजिए। एक ऑर्डर और बचा है आपका, वो कौन सा है? अच्छा, ये प्लांट का नाम लिखना, एबिस बैल्सेमिया। ये भी पूछा था कि यहाँ से कनाडा ब्लासम निकलता जो आपके लैब में यूज होता है। नोट कर लीजिए। हमेशा का हो गया, और किसी का एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि क्लास डिटेल बहुत ज्यादा है, हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो पूछा गया है। एक प्लांट और है एबिस बालसामिया, एबिस बालसामिया, एबिस बल्सामिया, इसका नाम लिखिए। इससे क्या निकलता है, रेजिन कनाडा ब्लासम, जो आप लैब में यूज करते हैं, अगर लैब में वर्क किए होंगे जानते होंगे, रेजिन कनाडा कनाडा बालसम। ये पूछा था कनाडा बालसम किससे निकलता है, बालसम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, obtained from it used in making permanent slide in biology lab, next Christmas tree किसे कहते हैं, ये भी नाम पूछा जाता है इसका, Araucaria excelsa, Araucaria, ये भी जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, Araucaria एक्सटिल्सा, Araucaria एक्सटिल्सा, इसे क्या कहते हैं,
क्रिसमस ट्री। क्रिसमस यार गलत हो जाएगा। क्रिसमस ट्री एक प्लांट और होता है अरुकेरिया अरुकाना। अरुकेरिया अरुकाना इसे क्या कहते हैं? मंकी पजल ट्री। और दोनों को क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और कौन सा प्लांट है? हाँ, एक प्लांट पूछा जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट। ये प्लांट का नाम है सिकोया। सिकोया स्पीसीज मतलब सिकोया की जितनी स्पीसीज होती सभी क्या कहते हैं? नोन एज फादर ऑफ प्लांट। हाँ, फादर ऑफ फॉरेस्ट नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लांट आर वेरी हैवी। प्लांट आर वेरी हैवी। और इसी को कहते हैं लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। अभी क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म? सिकोया। हो गया भैया। एक पूछा जाता है कि चाइना वायलिन कौन सा पाया जाता है, वो भी लिख लीजिए। मेटासिकोया। मेटासिकोया ये भी प्लांट का नाम है। लिविंग फॉसिल प्रेजेंट इन चाइना वैली। लिविंग फॉसिल प्रेजेंट इन चाइना वैली। अभी क्वेश्चन आया चाइना वैली में पाए जाने प्लांट मेटासिकोया प्लांट, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? अगला नंबर चार। चौथा नंबर क्या है हमारा? ये आपका है जिनिटेल्स। कौन सा याद करना है आपको? इपिड्रीन इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे। पहला पॉइंट है इसका पहले प्लांट कौन से होते हैं? इसमें प्लांट होता है एक जीनेटम, ये नोट करेंगे। जीनेटम प्लांट होता है। दूसरा होता है विलविशिया। विलविशिया नेक्स्ट होता है आपका इपिड्रा। ये तीन नाम याद करेंगे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इपिड्रा का लिखेंगे इपिड्रीन इपेट्रीन। ये ड्रग का नाम है इपेट्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम
टॉम, इपित्रा, यूज्ड इन अस्थमा, बस ये छूट गया यार, यहाँ पे एच लिखना, ए एस टी एच, ये अस्थमा। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ खत्म, जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक पॉइंट। इसे कुछ डाउट हो बताइए, ये हमने क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कल क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जितने हमने सब नोट करा है। ये सब प्लांट के नाम है, आपको याद करना होगा, आरएमआर रट्टा मारना होगा। हो गया सबका? जिसका हो गया हो जा सकता है, क्योंकि आपका दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया। बाय सभी को, जिसका हो गया निकलना शुरू करिए, बाकी लोग बताइए हम ऑफ करें। बाय सुजीत, बाय स्मिथ, तो क्लास को ऑफ करें, हो गया सबका? बोलो सबका हो गया? निधि, यस, ओके, चलो।